शहडोल जिले के बुढ़ार थाना क्षेत्र में रिश्तों को तार तार कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां धान बंटवारे को लेकर हुई मामूली विवाद पर बेरहम छोटे भाई ने बड़ी भाई की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, साक्ष्य मिटाने की फिराक में भाई को जमीन पर दफन करने की तैयारी कर रहा था, जिसे बुढ़ार पुलिस ने जंगल से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बुढ़ार थाना क्षेत्र के ग्राम धनगावा पंडान टोला निवासी बड़े भाई संतोष साहस की छोटे भाई विनोद साहस से धान के बंटवारे को लेकर मामूली विवाद हो गया, जिस पर छोटे भाई विनोद ने बड़े भाई संतोष के गर्दन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे संतोष की मौत हो गई। इसके बाद आरोपी युवक यही नहीं रुका, उसने घटना पर पर्दा डालने की नियत से घर के ही दूसरे कमरे में उसे जमीन में दफन करने के लिए गड्ढा खोद डाला। आरोपी खुद को बचाने के लिए जैसे भाई का शव गड्ढे के अंदर डालकर मिट्टी से ढक ही रहा था, तभी आवाज सुनकर पिता दुर्गा प्रसाद वहां पहुंचे तो देखा कि उनके बड़े बेटे को छोटा बेटा जमीन के अंदर दफन कर रहा है, तो पिता ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन कलयुग बेटे के सिर पर तो खून सवार था। आरोपी ने पिता पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया था। पिता ने मामले की जानकारी बुढ़ार पुलिस को दी। मामले की जानकारी लगते ही बुढ़ार थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्रा अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचा, हत्यारे भाई की तलाश की और काफी मशक्कत के बाद उसे पास के जंगल से पकड़ा, जो कि जंगल के पेड़ में छिपा हुआ था। पुलिस ने हत्यारे भाई के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए शहडोल से विजय रजक की रिपोर्ट। बुढ़ार थाने में कल एक बड़ी हृदय विदारक घटना घटी है। एक धनगावा गांव है, लगभग 25 किलोमीटर बुढ़ार थाने से, और वहां पर एक संतोष नाम का व्यक्ति लगभग 35 साल का है, संतोष सही पिता दुर्गा प्रसाद 35 साल की उम्र है, वो अपने घर में सो रहा था। उसके साथ में उसका छोटा भाई विजय नाम का है, वो भी साथ में सो रहा था, और उसके पिता जो दुर्गा प्रसाद है वो बाहर दहलान पर सो रहे थे। सुबह करीब 4-5 बजे के आसपास पिता को कुछ आवाज़ सुनाई दी खटखट की। जब वहाँ पर जाकर देखा पिता ने, तो छोटा भाई बड़े भाई की कुल्हाड़ी से हत्या करने के बाद घर में ही गाड़ने का प्रयास कर रहा था, इसे तो गड्ढा खोद रहा था। पिता ने इस काम से जब उसको रोका तो पिता के ऊपर हमला करके आरोपी विजय वहाँ से भाग गया। पुलिस को 100 डायल के माध्यम से सूचना मिली, तत्काल पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। आरोपी विजय को भी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया है। इसमें जमीन हिस्सा की बंटवारे को लेकर कुछ विवाद था दोनों भाइयों में, इस वजह से छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या की है। इसकी विवेचना थाना बुढ़ार के द्वारा की जा रही है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।